वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा, और एक बहुत ही प्यारे से सितारे से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आज के हम प्रोग्राम में। मैं किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बड़ी प्यारी सी हमारी जो डॉली हैं, कौन इनको नहीं जानता। मॉर्निंग शोज, एक्टिंग, मॉडलिंग सब कुछ कर चुकी हैं। आपका फ़न की जो महारत है वो तो हम इनकी ऑन स्क्रीन देख ही चुके हैं, और रिसेंटली जो इनकी अपेयरेंस थी इन अ रियलिटी शो वो भी हम सब ने देखा। बड़ा ही ज़बरदस्त शो रहा, इनकी जो एक्शन थी उन्होंने पूरे पाकिस्तान को ज़रा हिलाकर रख दिया। बहुत सारी बातें करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी नताशा अली से। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। एंड यू लुक ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो नताशा, रिसेंटली रियलिटी शो का एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, अब तो सीजन 2 था जी जी, लेकिन आपकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस थी? मेरा हाँ, किसी भी रियलिटी शो में पहली बार था। कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे एक्चुअली ये पहले सीजन के लिए भी इन लोगों ने ऑफ़र किया था, लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, और मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया था कि मत जाओ। जो इंसान जब रियलिटी शो में जाता है तो उसकी डार्क साइड भी नज़र आती है, गुस्सा भी होता है, क्योंकि वो हर चीज़ नेचुरल हो रही होती है, तो नहीं जाओ और ये वो ना, तो मैंने मना कर दिया था। फिर जब इस दफ़ा इन्होंने मुझे बोला, मुझे कॉल आई, तो फिर मैंने बात की दोबारा, फिर मैंने अपनी मम्मी से भी बात की, तो उन्होंने कहा एक एक्सपीरियंस करना है तो चले जाओ। और मुझे नहीं पता था ये 50 डेज़ का शो था टोटल, तो आपको 50 डेज़ का ही कॉन्ट्रैक्ट करना था। वो डिपेंड करता है कि आपकी उसमें कितनी लोग जो हैं वो आपको पसंद कर रहे हैं, या वोटिंग कितनी हो रही है, या आप कितना बेहतर उसमें खेल रहे हैं, तो आपकी एलिमिनेशन पहले वीक में भी हुई है, दूसरे वीक में भी हुई है, जितने कंटेस्टेंट्स थे वो बारी 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 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को ऑब्वियसली वो करेंगे ना। वो अच्छा, आखिर में लास्ट वीक में हम 6 लोग रह गए थे, और मेरी एविक्शन पे अभी तक पूरे पाकिस्तान को बहुत गुस्सा है। यकीन नहीं, पहले तो यकीन ही नहीं आया ना। लगा था कि वो जो ग्रीन कार्ड एंट्री शायद होती है वो हो जाएगी, या कुछ ना कुछ होगा। एटलीस्ट नताशा टॉप 3 में। मैंने भी, मुझे बाहर निकलने के बाद पता चला कि उमर के बारे में, उमर शहजाद, अली एंड यू, सिकंदर भी बिल्कुल। आई थॉट कि भाई में तो यही होंगे, बट वो तो यू नो पासाई गेम का पलट गया। उन्होंने जब दुनिया कुछ और सोच रही है और आप कुछ चैनल कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा आपके लिए कितना शॉकिंग था निकलने के बाद? आपके लिए कितना शॉकिंग था? नहीं, मेरे लिए ऐसे शॉकिंग नहीं था। वापस की बात है, जब मैं उस घर से निकली तो मुझे लगा कि यार ठीक है, होना था यार, मेरी एलिमिनेशन होनी होगी, वोटिंग कम हुई होगी, कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे फॉलोअर्स इतने हैं तो मुझे उतनी ही वोटिंग हुई होगी। वो तो निकलने के बाद मुझे 2 दिन के बाद जाके अंदाजा हुआ कि लोगों ने तो कहा कि हमारी शेरनी को क्यों निकाला आपने, ये तो आप लोगों ने गलत कर दिया, ये तो आप लोगों ने गलत कर दिया। सबसे पॉजिटिव और अकेली खेलने वाली तो नताशा ही थी, तो फिर मुझे थोड़ा अंदाजा होना शुरू हुआ। मैंने कहा ये तो कुछ गलत हो गया है, लेकिन यार सबने इतना प्यार दिया है, और अभी तक उस चैनल पे लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे आज के बाद आप लोगों का कोई रियलिटी शो, और बादशाह सलामत पे लोग बहुत गुस्सा हैं। अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया, नताशा तुम्हारी वजह से लोग मुझे बहुत बुरा भला कह रहे हैं, मैं अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करूँ। मैंने कहा अदनान कोई बात नहीं, वो आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि लोगों को बुरा लगा है, तो मेरी वजह से सब आप पे नाराज हो रहे हैं, तो आप अकाउंट डीएक्टिवेट ना करें, आप खामोश हो जाएं कुछ दिनों के लिए जी, यही बेहतर है। लेकिन इतनी मोहब्बत मिली है तो मैंने कहा मैं आवाम की नजरों में तो जीती हुई हूं, बहुत 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 ट्रॉफी लेना जरूरी नहीं होता। तो फर्क क्या महसूस हुआ घर से बाहर आने के बाद? लोगों का जो प्यार है आई एम श्योर वो डबल होकर मिल रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लग रहा है कि डॉली के बाद दोबारा से अगर मुझे मोहब्बत मिलनी शुरू हुई है तो इस रियलिटी शो की वजह से मिलनी शुरू हुई है, माशाल्लाह। That's amazing. अच्छा, तो घर में जैसे कि हमारे अपने घर में, जब हम अपने घर में होते हैं तो कुछ लोग आते हैं मेहमान, कई दफ़ा आते हैं, या बच्चे बहन के ही आ जाए और इतना मेसी कर देते हैं, तो क्या यार अपने बच्चों को संभालो, ये क्या गन डाल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, यू नो ओसीडी के मसले मसल खवातीन को होते हैं। सो आपके साथ ये था वॉशरूम शेयरिंग और चीज़ें, और कोई कभी आकर तो इस चीज़ ने इरीटेट किया, एग्जॉस्ट किया, या बस बर्दाश्त करते गए, पीते गए? नहीं, बर्दाश्त तो जहाँ तक मुझसे होता था, घर में रहने के लिए बर्दाश्त तो बहुत चाहिए। जाहिर सी बात है, आप हर बात पे नहीं आप रिएक्ट कर सकते जब आप एक घर में रह रहे हो। डोंट सिट ऑन माय बेड या इस तरह से। और पता है उन सारे कंटेस्टेंट्स के साथ एक उनसियत हो गई हुई है, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि आप यार 4 दिन भी किसी के साथ एक कमरे में बंद रहते हो, उससे भी उनसियत हो जाती है यार, आप एक पेट रखते हो जाती है, तो उन सबको मैं मिस करती हूँ। जब कराची में होती हूँ, हम लोग मिले हैं 3-4 दफा,
और कोई ना कोई इवेंट हम लोगों ने एक दूसरे के घर में रखा हुआ होता है, तो हम लोग एवरी वीकेंड हम इकट्ठे हो रहे होते हैं, क्योंकि सबसे लड़ाइयाँ झगड़े तो जो घर के अंदर हुए, तो यार हमारे घरों में भी तो होते हैं ना, हमारी फैमिलीज में भी होते हैं। तो अच्छा, इस बात से मुझे ये भी याद आया कि मैं जब घर में 2-3 दफ़ा जब मैं लाउड हुई ना, तो आई वॉज लाइक कि जब मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे लोगों के सामने मेरा ये वाला रूप आया है तो लोग मुझे डिसलाइक करना शुरू कर देंगे, यार नहीं यार ये तो बड़ा, क्योंकि वो तो वही डॉली की इमेज को रखी होती है ना। तो मैंने कहा मेरा बहुत वो डॉली वाला इमेज है, तो मैंने तो यहाँ पे गुस्सा किया है और मैं लाउड भी हुई हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि लोगों ने तो मेरी वही चीज पसंद की। आई सॉ दैट सीन ना कि जब वो जाके किसी को बुला रहे हो, कोई टास्क है सपने को, आ जाओ बाहर आ जाओ, और फेक नहीं हो एटलीस्ट, मुझे ये क्या कहना पड़ेगा बाहर आने के लिए, बैठी हुई है आराम से जी, ब्लो ड्राई किए जा रहे हैं, किसी के कान पे कुछ जूम भी नहीं रिंग हुई है, मेरा तो फेक होने वाला सिस्टम ही नहीं था बिल्कुल। मैं तो घर में वहां पे डाई लगा के घूम रही होती थी, मुझे सब कहते डाई लगा के क्यों घूम, बाथरूम में जाके वेट कर लो, ओके यार कोई बात नहीं। हाँ, तो घर का काम कौन सा सबसे ज्यादा करना ऑड लगा? ऑड मुझे कोई भी नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ। तो लेकिन ज्यादा हर कैप्टन ने एवरी वीक जो भी कैप्टन होता था, एक वीक तो पूरा मेरा भी था, उसमें भी हर कैप्टन ने मुझे किचन में घुसाए रखा कि नताशा खाना अच्छा बनाती है, तो नताशा तो किचन में ही होगी, अच्छा जी अब बाकी काम आप लोगों के। तो वो तो होता था हर कैप्टन एवरी वीक, अब मुझे पता होता था ये कहेगा कि किचन में तो नताशा होगी, तो मैं कहती हाँ मुझे पता है मैं किचन में हूँ, अच्छा बाकी काम बांट दो, अब जो बांटने हैं तो किचन में। नताशा शुरू में तो आपको बहुत रोटियां बनानी पड़ी होंगी, थी तो कभी घर बनाई है मैंने 46 डेज रोटियां बनाई हैं, खाने बनाए हैं, पराठे बनाए हैं, चाय बनाई है। वो एक राशन का एक टास्क होता था कि इतने पॉइंट्स आपने कमाने हैं तो इतना राशन मिलेगा, तो वो कभी कभी मेरे वाले वीक में जब मैं कैप्टन थी, वजीर थी, तो मुझे बेस्ट वजीर का अवार्ड भी इसीलिए ARY ने दिया। तो जब मैं वजीर थी तो अब राशन कम था और मुझे पूरा वीक लेके चलना था, तो वो जो मैं पूरा वीक लेके चली थी ना, वो सबको बड़ा पसंद आया। आई थिंक नताशा दिस इज फर्स्ट टाइम ना इन योर लाइफ या किसी भी इंसान की जिंदगी में, हम अपने मोबाइल फोन से तो अलग नहीं रहते हैं, अपने दुनिया के किसी भी कोने में वो फैमिली से डेली राबता होता है, आप अपनी माँ को या हस्बैंड को या बच्चों को या फैमिली मेम्बर्स जो भी उनको कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हैं अब तो हम, तो आप जितने दिन घर रहे किसी से, इसमें से ना जुनैद की बेटी आई, इज़ा आई गेस उसका नाम है, सो वो बड़ा इमोशनल टाइम था जुनैद के लिए, बिल्कुल आपकी बात हुई या घर से कोई आया ड्यूरिंग लास्ट वीक, क्योंकि वो नजर आ रहा था, चैनल को भी नजर आ रहा था कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इसको जितना हम रगड़ सकते हैं हम रगड़ इसको तोड़ना है। हाँ, इसको के मिलने जुलने वाले आगे 6 वीक गुजर गए, मैंने कहा यार इमोशनली कैसा फील कर रहे थे आप? मतलब मेरे घर से तो कोई भी नहीं आ रहा, ना मेरे हस्बैंड की कोई कॉल आ रही है, तो वो लास्ट वीक में मेरी अम्मी की वीडियो कॉल इन लोगों ने करवाई और वो मेरे लिए बहुत वो था, मतलब मैंने अपनी माँ की शक्ल देखी और मैं अपने ना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये सब टाइम हम बिग ब्रदर में देखते हैं या बिग बॉस में देखते हैं, हमारे पास सब तमाशा है, तो हम अपने तमाशे में देखेंगे कि घर का कोई खत या बीवी की कोई तस्वीर या फिर किसी प्यारे की कोई वसीयत वाली चीज, उसको यू नो सम टाइम ट्रैश करना है या उसको बर्न करना है, तो अक्सर कंटेस्टेंट रो पर फोन की बात कर रही है। फोन मैं वैसे ही सोशल मीडिया जो इतना यूज ही नहीं करती हूँ, वापस की बात इतना फोन यूज नहीं करती हूँ, मुझे अगर फोन चाहिए होता है तो सिर्फ एक व्हाट्सएप करने के लिए या अपने काम के लोगों के लिए या दोस्तों के लिए या अपनी फैमिली के लिए। मैंने सिर्फ फोन अपना अगर मिस किया तो सिर्फ इसलिए कि यार एटलीस्ट मैं अपने घर वालों को एक मैसेज कर दूं कि आप ठीक है, मैं यहाँ पे सही हूँ, आप लोग तो मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, तो ये वाली चीज बस मैं बहुत ज्यादा। अच्छा नताशा, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है ना, जैसा कि मैंने बाकी भी दो रियलिटी शोज का रेफरेंस दिया कि दे आर स्क्रिप्टेड, ये ऐसी बात हवा चलती है। अच्छा स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल भी नहीं होता, उससे पहले जो हम रियलिटी शोज देखते रहे हम साया मुल्क के, उस पर कभी कभी मुझे भी ये लगता था कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये बीच में ऐसा करते होंगे कि कुछ देते होंगे कि यार अब किसी कंटेस्टेंट को बुला के कि तुम ये वाली बात करके माहौल को बिगाड़ दो, या कुछ भी नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई टॉपिक नहीं होता था, सुबह हम लोगों ने खुद उठना होता था, खुद नाश्ता बनाना होता, खुद बात सारी शुरू होती थी, खुद ही लड़ाइयाँ होती थी, खुद ही दोस्तियाँ होती थी, खुद ही सारे वो टास्क के लिए बस वो एक वो आता था, पेपर आता था कि ये टास्क है और ये जो है ये आपको करना है,
तो किसी कंटेस्टेंट को ऐसे शिकायत तो नहीं हुई? अक्सर हम जब देखते हैं ना, हम साया मुल्क का आपने जिक्र किया, बिग ब्रदर बिग बॉस के, वहाँ पर जब बाहर अक्सर लोग आते हैं तो वो फट पड़ते हैं कि आधी कॉन्वर्सेशन दिखाई, बुरी साइड दिखा दी, पहले का पार्ट एडिट कर दिया, हाफ बात दिखाई, क्या इंटेंशन थी या किस रेफरेंस में बात होती वो नहीं दिखाया। ऐसा कुछ यहाँ पे किसी कंटेस्टेंट की तरफ से हुआ हो? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। नहीं हुआ है। उनकी जो ऐप थी उस पर 24/7 तो वैसे भी लाइव आ रहा था, तो वो लाइव को तो आप उसमें no से margin, तो आप एडिट नहीं कर सकती हो। तो वो एक घंटे का तो वो चैनल पे चलता था, एक घंटे का जो एडिट होता होगा वो आप मतलब 12-14 घंटे अगर दिन के हम लोग वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें से एक घंटा निकालना, वो तो पूरी बात फिर आपके सामने नहीं आती। लेकिन हाँ, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लगाते हैं। तो अरूबा कौन सा मेकअप आपका ले गई आपने बाद में? फिर वीडियो भी मैंने देखी, मैं देख रही थी, मुझे बड़ा मजा भी आया कि अरूबा ठीक है मैं दे दो वापस चीजें, लेकिन अगर नहीं दी तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देती हूँ। पता नहीं क्या 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 लिया, पता नहीं क्यों यार उसकी आदत थी, वो चीजें चुरा लेती थी यार। सिर्फ मेकअप या चीजें नहीं, खाने पीने की चीजें भी, दूध के डब्बे, अंडे, पता नहीं क्या क्या उसको क्या आदत थी यार। जिसके ऊपर फिर मैंने उसको एक दिन गुस्से में बोला, मैंने कहा चोरनी शापले भी कर रहे होते, चोरनी इतना मशहूर हुआ वे बाहर, जो मैंने अरूबा को बोला, मैंने कहा यार तुम क्या चोरियां करती रहती हो, तुम ये तो सोचो कि तुम्हारे ऊपर 60 कैमरे लगे हुए हैं, तुम चोरियां कर रही हो, तुम नेशनल टीवी पे क्या दिखा रही हो कि तुम आम जिंदगी में भी चोरियां करती हो। लेकिन वो नहीं बाज आई कभी। मेकअप मांगने के लिए भी वो हर चीज मांगती थी मुझसे। मेकअप अगर वो उसने चुराना तो शायद उसको वो होता था कि तंग करना है, तो पता नहीं वो चीज़ें कुछ तो आई थिंक मेकअप वाली जो उसने चीज़ें रानी को कह के उठवाई थी वो तो आई थिंक तंग करने के लिए था, लेकिन वो मैं तंग नहीं हुई। यार नताशा, कुछ लोग बहुत शार्प प्ले भी करते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम कोई ऐसी चीज करेंगे तो कैमरा हमें कैप्चर करेगा, हमारे ऊपर रहेगा। नहीं लेकिन यार ये भी तो देखो आप, क्या आप रियलिटी शो में आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो, क्या आप चोर हो? तो वो बाहर तो क्या वो ट्रेंडिंग थी जब इसको ट्रॉफी मिली कि भुक्कड़ चोरनी को जितवा दिया, भुक्कड़ चोरनी को जितवा दिया, तो लोग तभी तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे ना इस चीज को, कि यही वजह थी। अब क्या प्लान्स हैं आफ्टर दिस शो? इतना प्यार एक बार फिर से लोगों ने दोबारा शेयर किया है, सो अब क्या प्लान कर रहे हैं आप? अभी तो कुछ खास प्लान तो बस नहीं है, वही वाली रूटीन है। अभी दो सीरियल्स हैं मेरे जो ऑन सेट हैं, क्योंकि 46 डेज से पहले, इस शो से पहले मैं अपने मेरे दो सीरियल से जो मैं कंप्लीट करवा के शूट कंप्लीट करवा के आई थी, और निकलने के बाद अभी दो सीरियल्स मेरे ऑन सेट हैं, तो वो बस जो ऑन एयर होंगे फिर इंशाल्लाह फिर लोगों तो की। अब एक चूंकि और चीज़ का एडिशन हो चुका है आपकी प्रोफाइल में, जैसे कि मैंने बताया मॉडलिंग, एक्टिंग, होस्टिंग, कुछ अगर मिस हो गया हो तो बताएगा, रियलिटी शो भी, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? होस्टिंग में। होस्टिंग में हमेशा मैं यही कहती हूँ, हाँ होस्टिंग में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे बताइएगा अभी किस किस से आप रिश्ते में हैं आफ्टर शो, किस किस से मुलाकात हुई सबसे? सबसे ग्रेट, सही। तो ड्रामास भी आपके ऑन एयर हैं और हम इनको देख भी रहे हैं ऑन स्क्रीन भी, रियलिटी शो में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, जो रियल साइड नताशा की है वो भी सबको देखने को मिली। नताशा, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ हम खेलना चाहेंगे, जी जी ठीक है, लेकिन क्विकली आंसर करना है, ठीक है? तो पहला सवाल है कि आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट है? डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट टाइम उस पर आपने क्या देखा? लास्ट टाइम मैंने सीरीज देखी है जिनी एंड जॉर्जिया। अच्छा जी, ये बताएगा कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है आपकी ट्रैक लिस्ट पे? बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन मुझे ना नूर जहान की गजलें सुनना बहुत पसंद है। ओके, आखिरी गूगल सर्च क्या थी? गूगल पता नहीं, आई थिंक बहुत टाइम ही हो गया मैंने गूगल पे कुछ सर्च नहीं किया। अपने आप को कब लास्ट सर्च किया? मैंने अपनी एक एंटी एलर्जी को सर्च किया था कि उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अपने आप को लास्ट कब सर्च किया? अपने आप को कभी सर्च कभी सर्च नहीं किया। ओके, आपने शादी के बाद किया था? हम लोग मालदीव्स गए हुए थे तो वहाँ पे कुछ इंडियंस मिले ना, तो उन्होंने मुझे पहचाना, ठीक, तो मैंने मैंने अपने हस्बैंड की और अपनी यूट्यूब पे पिक्चर्स निकाल के दिखानी थी कि हमारी शादी की, ठीक है। मीडिया गॉसिप क्वीन कौन है? मीडिया गॉसिप क्वीन, डोंट टेल मी नोबडीज, आई थिंक नाहिद शब्बीर। ऑलराइट, लास्ट टाइम आपने कब उनसे गॉसिप की? एक डेढ़ साल पहले। ओके, आपने आखिरी शॉपिंग क्या की? आखिरी शॉपिंग मैंने 2 महीने पहले जब मैं शो में एंटर हो रही थी उससे पहले मैं यूएस से आई थी और मैंने यूएस लास्ट महंगा गिफ्ट किसको दिया और आपको क्या मिला? महंगा गिफ्ट मैंने किसी को नहीं दिया और मैंने लिया।
क्या मिला बहुत सारी चीजें मैं अपने मियां से लेती रहती हूँ. ठीक है, फाइन, दैट्स फेयर, दैट्स फेयर. नया लेके दे दें, महंगा महंगा खर्चा करवा दें. ठीक है, कौन सी मशहूर शख्सियत ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया ऑन सेट या पर्सनली कुछ भी? आई थिंक किसी ने भी नहीं. वेरी गुड. तो आपके वालदैन आपको किस नाम से पुकारते हैं? मुझे नेटी के नाम से. That's और मेरे फ्रेंड्स भी नेटी. तैयार होने में टाइम लेती हैं? 45 मिनट. ठीक है, कितनी अच्छी ड्राइवर हैं? बहुत अच्छी. ठीक है, सब्जी लेने खुद जाती है? माइकल शूमाकर. सब्जी खुद लेने जाती है? कभी कभी भी नहीं. लोगों के राज रखने में कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी. अच्छा, ठीक है. पहला सेलिब्रिटी क्रश? इमरान अब्बास. इमरान अब्बास. ओके, रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? रीसेंट रणवीर सिंह. ओके, खराटे लेती है नताशा ली? नहीं. ओके, ठीक है. वो जगह जहां आप सबसे ज्यादा सफर करना चाहती हैं या बार बार जाना चाहती हैं? यूएस. यूएस, ठीक है. सोशल मीडिया गॉसिप जो आपके बारे में बहुत फेमस हुई? गॉसिप, सोशल मीडिया, झूठी खबर कह सकते हैं, फेक न्यूज कह सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अबाउट रियलिटी शो तो बहुत सारी चीजें बाहर निकली हुई हैं जो लोग हैशटैग. वन थिंग दैट इंस्पायर्स यू अ लॉट? अबाउट व्हाट? किसी भी शख्स की, किसी भी पर्सनालिटी की? इंस्पायर किसी ने किया हो? ऐसी कौन सी क्वालिटी, किसी का खुश अखलाक होना, किसी की स्माइल अच्छी होना, किसी का ऑनेस्ट होना, क्या चीज आपको इंस्पायर करती है किसी भी इंसान में? हाँ, मुझे ऑनेस्ट होना. ऑनेस्ट होना. झूठ बोलने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं मुझे. दैट्स ऑल. लेकिन रैपिड फायर तो हमारा हो गया, लेकिन मीडिया में आपको लगता नहीं कि कुछ थोड़ा सा रखना पड़ता है, थोड़ा सा नकली होना पड़ता है? हाँ, होते भी हैं लोग, है ना? बिल्कुल लोग होते भी हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ. वो तो हम जानते हैं, क्योंकि हम आपसे मिलते रहते हैं, तो हमें वो पता है. मैं नहीं हूँ और ये सबको पता है. कुछ लोग इसको मेरी वो समझते हैं कि एरोगेंट. हाँ, प्राउडी है, एरोगेंट है. तो मैं कहती हूँ नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं ब्लंट हूँ और मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, सच बोल दो. तो अक्सर कभी ऐसा हुआ कि कोई ऑफेंड हो गया हो, कोई नाराज हो गया हो, कोई को-स्टार सेट पे कभी ऐसा हो गया, ब्लंटली बात कर दी हो? यू नो, जो लोग ऑनेस्टली बात कर रहे होते हैं, ब्लंटली बात कर रहे होते हैं ना लोग, अक्सर हो जाते हैं. लेकिन मैं फौरन ही संभाल भी लेती हूँ कि ये बात मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में की है. तो नताशा, मीडिया में सबसे ज्यादा किससे दोस्ती है, किससे बनती है? बेस्ट फ्रेंड कोई है या अक्सर वही बात जो हम सुनने के भी मीडिया में तो फ्रेंड्स नहीं होते? मैं आपको एक सही बात बताऊं, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है मेरी माँ के अलावा. बेस्ट फ्रेंड आप ऐसे नहीं किसी को उठ के कह सकते. दोस्त बहुत सारे हैं मेरे, मतलब मीडिया में मैं तकरीबन सभी एक्टर्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, जो नए आ रहे हैं उनके साथ भी, सबके साथ मेरी दोस्ती है. मैं पूरा दिन सेट पे हंसाती भी रहती हूँ. दिल की बात शेयर कर लेते हो या किसी उलझन का शिकार होते हो? हाँ, वो है एक नवाल सईद और एक मरियम नूर. इन दो के साथ मेरी ऐसी दोस्ती है कि जिनके साथ बैठ के मैं दिल की बात कर सकती हूँ. अदरवाइज अगर ओवरऑल देखा जाए मेरे बारे में, तो मैं अपनी दिल की बात शेयर ही नहीं करती. जो सच्ची बात. जबरदस्त. अच्छा, तो ड्रामास देखते हो अपने, हमारे ड्रामास? क्यों, क्या रीजन है ये? जितने भी यार, बहुत टाइम हो गया है, जितने भी लोग आए हैं, दे ऑल सेट के नहीं देखते. मैंने अपना ड्रामा भी नहीं देखा, मैंने कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा. सच्ची बात है, मैंने कोई पाकिस्तानी मूवी भी नहीं देखी, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो. लेकिन मैंने यूट्यूब पे कुछ चैनल्स वो किए हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखती रहती हूँ नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियोस पे. मैं ऐसी लगी हूँ पिछले 3-4 सालों से कि मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा. अजीब सी बात है. लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम खुद नहीं देखेंगे तो हमारे जो लोग हैं? नहीं, बस बहुत देख लिया, देख लिया बस, अब नहीं. अब वो अपने आप वो बस बाहर से अब कुछ और देखेंगे. एक रिस्पांस मिल जाता है तो मैं कहती हूँ हाँ अच्छा. क्या क्या देखती है जो है? सीरीज देखती रहती हूँ. अच्छा, रात में जब मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड तो नहीं देखती रहती है? यूनिवर्स नहीं, 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 नेटफ्लिक्स कायनात के राज कुछ इस तरह के, यू नो, क्या इंटरेस्ट क्या है? सीरीज नहीं, नहीं, कोई भी अच्छी रोमांटिक सीरीज हो गई, कोई भी सीरीज हो गई नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियोस पे, वो मैं देखती हूँ. और हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज जो है उसमें मैं एक जेम टीवी के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है जिसको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज होती है, उसका मैं वेट करती हूँ कब अपलोड करेंगे. बहुत खूब. लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी तो यू सेड के घर के सारे काम आप कर लेती हो, और वो तो अब पूरे पाकिस्तान ने भी भाई देख लिया है कि कर लेती हैं. स्टिल उतनी ही सुघड़ हैं घर में, सब कुछ कर लेती हैं, पर्दे भी उतार के क्या धो लेती हैं? सब सब. मियां तो बहुत खुश होंगे फिर. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? कहते नहीं कि भाई मैं से ज्यादा लकी. इवन ये जो दीवारों में स्विच होते हैं, डोंट टेल मी, इनको भी मैं खोल लेती हूँ, मतलब मैकेनिक भी बन जाती हूँ. मैं कहती हूँ यार, वो बंदे को जो बुलाना, अगर मैं खुद कर सकती हूँ तो मैं खुद कर लूँ.
छोटे छोटे चीजों के लिए तो यार ये वाली चीजें तो कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं करती लड़कियां, नहीं करती, बहुत काम चोर होता है, करती नहीं, बहुत काम चोर होती हैं। ये तो मैंने अपने रियलिटी शो में भी देख लिया है, इतनी काम चोर क्यों है भाई? ज्यादा काम चोर कौन था सबसे ज्यादा अरूबा? मर्दों में कौन था यार? मर्दों में तो सारों ने ही काम किया, सब ने काम किया है। फैजान शेख ने काम किया, उस बेचारे को आटा नहीं, उस उन लड़कों ने, उमर शहजाद ने और फैजान शेख ने, जिन्होंने कभी जिंदगी में आटा देखा भी नहीं होगा, उनसे आटा गूंधवाया मैंने। क्योंकि मैंने कहा देखो मुझे ना आटा गूंदना, मैंने मशीन सारी जिंदगी रखी है तो मुझे आटा गूंदना नहीं आता, बाकी रोटियां बनवा लो मुझसे, खाने बनवा लो, जो मैंने किया भी। आटा गूंदने के लिए हेल्प चाहिए मुझे। तो वो अब दो लड़कियों को आटा गूंदना तो आता था, ठीक है, पहले वो थी मिशेल थी, वो बेचारी गूंद दिया करती थी, उस पर भी वो कभी कभी नखरे करती थी। उसके बाद नेहा बहुत मुश्किल से आटा गूंदती थी, तो वो लड़के बेचारे आ जाते थे, उमर शहजाद ने इतने आटे गूंदे हैं, इतने आटे गूंदे हैं, मैं बता नहीं सकती। अरूबा को सब कुछ आता था लेकिन कहती थी मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। तभी तो लोगों ने कहा ये किसको जितवा दिया जिसने कोई रूल फॉलो नहीं किया। और जो बेचारे पहले दिन से रूल फॉलो करते आ रहे हैं, टास्क भी पूरे खेल रहे हैं, घर के रूल्स भी कर रहे हैं, उनको आपने बाहर कर दिया, और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं उनको आपने जितवा दिया। अच्छा नताशा, आपकी नजर में अदर देन यू आपको क्या लगता है विनर वैसे कौन होना चाहिए, रिजर्विंग कौन आपको लगा? देखिए बाहर आने के बाद तो मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों ने जितनी मुझे वोटिंग की थी और जितना मुझे मोहब्बत दिया था, जितवाना तो इनको मुझे चाहिए था। फिर जब मैं एलिमिनेट हो गई तीन दिन पहले, फिनाले के तीन दिन पहले इन लोगों ने मुझे एलिमिनेट किया, जो कि नहीं करना बनता था क्योंकि मैंने टिकट टू फिनाले का टास्क जीता था। उस पे ज्यादा लोग बरहम है कि जब उसने टास्क ही जीत लिया था तो फिनाले तक तो उसको जाना ही चाहिए था, फिर तो उसको तीन दिन पहले आपने क्यों बाहर किया? पता नहीं क्या था, क्या मैं कुछ नहीं कह सकती, ना मैं चैनल के साथ पंगा ले सकती हूँ क्योंकि उनके साथ मैं काम कर रही हूँ अभी, मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या कुछ हुआ है। कंसर्न रखा आपने बाहर आने के बाद? सामने कंसर्न रखा अपना वैसे? नहीं, मैंने बस हल्का सा एक गिला कर दिया था कि आप भी देख लें, अगर आप मेरे मुंह पे आगे कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं तो फिर तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि आपने गलत किए हैं। अगर जब मैं बाहर आ गई तो फिर मुझे ये हुआ कि अब फिनाले के लिए, फिनाले में अब उमर शहजाद को जीतना चाहिए, क्योंकि पहले दिन से जो घर के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो पॉजिटिव रहा है, जो टास्क पूरे कर रहे हैं, तो वो उमर शहजाद था, इन्होंने उसको भी नहीं जितवाया। सबसे ज्यादा पेटू कौन था और एक्सरसाइज फ्रीक कौन था? सबसे ज्यादा पेटू अरूबा थी क्योंकि वो चोरी कर करके भी खा रही थी ना। हाँ, वो चोरी करके भी खा जाती थी। और वो फुलके के ऊपर मक्खन और जैम कौन लगाता है, वो उसके ऊपर भी लगा के खा जाती थी। एक्सरसाइज उमर शहजाद, उमर शहजाद वो तो हमने देखा भी है। ठीक है नताशा, लास्ट मैसेज पैगाम आपसे, जो लोग प्यार करते हैं, आपको प्यार इतना दे भी रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सबको ये कहना चाहूँगी जो मैं अपने इंस्टा पे लाइव आके भी और अपने ब्लॉग्स के थ्रू भी सबका बहुत शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ और अभी मुझे बहुत करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार दिया आप सब ने मुझे, बहुत प्यार दिया है। और बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग मुझे इसी तरह प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें और मैं आपको ऐसे ही इंशाल्लाह नज़र आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के दिलों में मैं जीती हुई हूँ तो इसका मतलब है कि मैं जीती हुई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नताशा अली, हमारे साथ जनाब थी इन कन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।